అనిన అనుక్షణ మనయల్ కలియో కలికయొసీ జూడి హోణ సంతసది క్లాసినలి yes sir yes teacher టీచో మ్యామ్ अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है अस्सलाम बरकातहू प्यारे बच्चों मैं बीबी आयशा माविन मौलिमा सरकारी उर्दू लॉयर प्राइमरी स्कूल बीबी तांडा कुंडली की तालुका जिला बल्लारी से आप सभी का इस संवेदा क्लास में खैर मकदम करती हूँ प्यारे बच्चों आप सभी बखैर होंगे उम्मीद करती हूँ तो आज हम आपकी दरसी किताब जो से है नकलो हमल और पैगाम रसाई के मुताल जो सबक नंबर पंद्रह है मालूम हासिल करेंगे तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्लास की शुरुआत एक कहानी से करेंगे तो यहाँ पर आपको एक तस्वीर नजर आ रही है नजर आ रही है ना बच्चों हाँ तो ये कौन है ये आमिर और सबा है ये कौन है आमिर और सबा है दोनों भाई और बहन हैं। आमिर और सबा भाई और बहन और बहन हैं। ये, -ये गाँव में रहते थे दोनों रोज़ाना स्कूल जाते थे। दोनों को अपने नाना नानी के गाँव जाना बहुत पसंद था आपको ही बहुत पसंद है ना बच्चों तो छुट्टियों में आप क्या करते हैं नाना नानी के गांव जाते हैं ना हाँ बिल्कुल इसी तरह से आमिर और सबा को भी अपने नाना नानी के गांव जाना बहुत पसंद था तो स्कूलों के वक्त तो हम नहीं जा सकते जा सकते हैं? नहीं जा सकते तो हम कब जाते हैं छुट्टियों में तो छुट्टियों के लिए पहले क्या लिखना होता है इम्तेहान तो इसी तरह इन दोनों को भी अपने इम्तेहान का बहुत इंतजार था तो जैसे ही इम्तेहान शुरू हो जाते हैं तो दोनों अपने अपने इम्तेहान खत्म करके खुशी खुशी घर को लौटते हैं क्यों खुशी खुशी लौट रहे हैं बच्चे हाँ क्योंकि इनके खत्म हो गए और ये कहाँ जा रहे हैं अपने घर लौट रहे हैं और क्यों खुशी खुशी लौट रहे हैं क्या छुट्टियां मिल गई हैं और अब वो अपने नाना नानी के गांव जा सकते हैं तो दोनों अपना अपना सामान तैयार करने लगे जल्दी जल्दी अपना अपना सामान पैक करने लगे और रात भर ये सोचते रहे कि कब सुबह होगी हम कब सुबह सवेरे जल्दी से उठ के तैयार हो जाएंगे और अपने नाना नानी के गांव जाएंगे तो जैसे ही सुबह होती है दोनों उठकर ब्रश करने लगते हैं पानी नहाने लगते हैं तो जल जल तैयार होने की बहुत खुशी रहती है तो तैयार होने लगते हैं आप भी इसी तरह करते हैं ना बच्चों हाँ रात तमाम यही सोचते रहते हैं कि हम कब सुबह होगी कब बस में चढ़ेंगे और कब गांव पहुंचेंगे इसी तरह ये दोनों भी बहुत खुशी से नहा धोकर तैयार होने लगे तो क्या होता है बोलिए हाँ यहाँ पर देखिए नानी माँ का फोन आता है नानी माँ बता रहे हैं? नानी बता रही हैं कि में क्या है तूफान है गाँव में क्या है तूफान है आप गाँव मत आइए कुछ दिन बाद आइए जब यहाँ का मौसम ठीक हो जाएगा तो आप आना तो ये सुनकर ये इसी तरह उनके अबू जो अखबार पढ़ रहे थे वो भी अखबार देखकर बताते हैं कि मौसम बहुत खराब है आप लोग गांव नहीं जा सकते तो ये सुनकर सबा और अम्य क्या हो जाते हैं उदास हो जाते हैं जब कभी जाने की बहुत खुश खुशी होती है अचानक से ये कह देते हैं कि नहीं जाना है तो हमें क्या होता है हमें क्या होता है हमें दुख होता है और हम क्या हो जाते हैं उदास हो जाते हैं मायूस हो जाते हैं तो इसी तरह सबा और आमिर भी क्या हो गए हैं उदास हो गए हैं फिर कुछ दिन बाद क्या होता है हाँ, नानी मां दोबारा फोन करती हैं और बताती हैं कि मौसम बिल्कुल साफ है आप हमारे गांव आ सकते हैं तो ये सुनकर सभा और आमिर खुशी से झूमने लगते हैं नाचने लगते हैं आप भी अगर गांव जा रहे हैं बोल के सुने तो क्या करते हैं खुशी से नाचने लगते हैं अपना सामान तैयार करने लगते हैं कि हम ये ले जाएंगे वो ले जाएंगे हाँ वहां पर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो इस तरह आमिर और सभा भी खुशी से झूमने लगे और इनके अबू और अम्मी यानी के सभा के अम्मी और अबू इनको लेकर कहा गए नानी के गाँव कैसे लेकर गए कार में लेकर नानी के गाँव गए तो इस तरह वो अपने नानी के गाँव पहुंचे तो आपको कहानी कैसी लगी बच्चों समझ में आई तो अच्छा देखेंगे किसको समझ में आई कौन जवाब देगा यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं देखिए बताइए आमिर और सबा कौन थे कौन थे बच्चों ये दोनों हाँ भाई बहन थे आमिर और सबा भाई बहन थे बिल्कुल सही दोनों कहा जाने के लिए बेकरार थे बच्चों कहा जाने के लिए नानी माँ के गाँव जाने के लिए बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही बताया दोनों नानी मां के गाँव जाने के लिए बेकरार थे इम्तिहान के होते ही वो क्या करने लगे बच्चों क्या करने लगे दोनों अपना अपना सामान तैयार करने लगे और दोनों क्यों मायूस हो गए बच्चों क्यों मायूस हुए बताइए हाँ नानी मां ने यह कह कहकर बताया कि तूफान है आप मत आइये ये सुनकर दोनों क्या हो गए उदास हो गए मायूस हो गए आमिर और सबा क्यों खुशी से झूमने लगे बोलिए हाँ जब नानी मां ने बताया कि मौसम बिल्कुल साफ है आप हमारे गांव आ सकते हैं तो ये सुनकर दोनों खुशी से झूमने लगते हैं। और ये पैगाम इनको किसने दिया किसने दिया बच्चों और किसके जरिए पहुंचाया बोलिए हाँ ये पैगाम नानी मां ने दिया किसके जरिए फोन के जरिए बताया कि यहाँ का मौसम साफ है आप हमारे गांव आ सकते हैं तो वो सभी कैसे नानी के गांव गए कार के जरिए क्यों कार के जरिए क्योंकि हमें दूसरी जगह जाना था तो इसलिए इन्हो ये लोग कार के जरिए नानी के गांव गए तो एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है बच्चो हमल एक जगह से दूसरी जगह जाना नकलोह हमल कहलाता है वो अपनी नानी माँ के गाँव कैसे गए कार के जरिए तो एक गाँव से दूसरे गाँव या एक जगह से दूसरी जगह जाना नकलो हमल कहलाता है तो आज की इस क्लास में हम नकलो हमल के मुताल मालूम हासिल करेंगे तो इस सबक की तदरीज के बाद आप में ये सलाहियतें पैदा होंगी जैसे की नकलो हमल में जानवरों का इस्तेमाल जानोगे जानवरों के साथ रहम से पेश आना सीखोगे और मुख्तलिफ अदवार में हुई तब्दीलियां यानी कि की नकलोहमल में हुई तब्दीलियों को पहचानोगे अच्छा तो चलो बच्चों हम सबसे पहले नकलो हमल किसे कहते हैं जानेंगे लोगों और साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही क्या कहलाता है नकलोहमल कहलाता है लोगों और साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना क्या कहलाता है बच्चों नकलोहमल समझ गए बच्चों नकलोहमल किसे कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह साजो सामान हो या लोगों को पहुंचाना ही क्या कहलाता है नकलोहमल तो बच्चों जब पुराने जमाने में जैसे कि आज के दौर में हम बहुत सारी सवारियां देखते हैं जो हमें एक गांव से दूसरे गांव एक शहर से दूसरे शहर को पहुंचाती हैं तो जब पुराने क़दीम ज़माने में इस तरह की सवारियां नहीं थी तो लोग कैसे सफर करते थे तो हम आज इस क्लास में इसके मुताल मालूम हासिल करेंगे तो देखो बच्चों यहाँ पर नकलोहमल में जानवरों का इस्तेमाल होता था कदीम जमाने में जब सवारियां जैसे कि आज के दौर में मौजूद है तो पहले जिस उस दौर में जो सवारियां नहीं थी तो लोग किस तरह सफर करते थे एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव? तो यहां पर देखिए बच्चों इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में आपको एक बैलगाड़ी नजर आ रही है है ना बच्चों ये क्या है ये बैलगाड़ी तो इस तरह बैलों का इस्तेमाल करते हुए इसकी गाड़ी बनाकर लोग एक गांव से दूसरे गांव सफर करते थे तो यहाँ पर एक और एक जानवर आपको नजर आ रहा है ये कौन सा जानवर है बच्चों ये घोड़ा है ये घोड़ा गाड़ी या इसको और क्या कहते हैं बच्चों यक्का बिल्कुल सही इसको क्या कहते हैं यक्का तो इस तरह घोड़े की गाड़ी बनाकर इसको भी एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इस तरह से और कौन से जानवर को इस्तेमाल करते थे बच्चों देखिए सोचिए बताइए हाँ, बिल्कुल सही। ऊंट को भी एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाने के लिए ऊंट गाड़ी का भी इस्तेमाल होता था इस तरह कदीम जमाने में बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी यानी कि यक्का और ऊंट गाड़ी का भी इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह यानी हमल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था बच्चों यहाँ पर देखिए आप इस तस्वीर में है। यहां पर देखिए रेगिस्तान का जहाज रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं मालूम है बच्चों आपको कौन से जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है आपने सुना है हाँ देखिए यहां पर इस तस्वीर में कौन सा जानवर नजर आ रहा है आपको ऊंट तो ऊंट को क्या कहा जाता है बच्चों ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को क्यों रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है मालूम है आपको क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में चलने के लिए साजगार जिस्मानी साख्त रखता है जो ऊंट को है ना रेगिस्तान में आसानी से चलने में मदद करता है और ऊंट बगैर पानी के कई दिनों तक चल सकता है चूंकि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है और यहाँ की जो जमीन होती है वो रेतीली होती है तो दूसरे जानवरों की बात ऊंट इस तरह की जमीन पर आसानी से चल सकता है इसलिए ज्यादातर रेगिस्तानों में बिलखसूस ऊंट का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इस तरह ऊंट को क्या कहा जाता है बच्चों रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है बोलिए रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है ऊंट को समझ गए बच्चों तो अच्छा अब देखिए आप साजो सामान ले जाने के लिए अभी जो हमने तस्वीरें देखी उसमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो अब हम साजो सामान यानी के चीजों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवर कौन कौन से जानवर साजो सामान को ले जाने के लिए मदद करते थे इसके मुताल हम अब जानेंगे तो जैसे के देखिए बैलगाड़ी बैलगाड़ी लोगों के लिए भी और साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो देखिए बैलगाड़ी जिस पर बहुत सारे चारा रखा गया है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस तरह बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है आज भी हम बहुत सारे खड़ियों से बोरिया वगैरह लाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल देखते हैं देखे हैं बच्चों हाँ तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल खरीयों से साजो सामान लाने के लिए आज भी इस्तेमाल किया जाता है और कदीम जमाने में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था तो यहाँ पर एक और तस्वीर आपको दिखाई दे रही है तो ये कौन सा जानवर है बच्चों गधा कौन सा है ये गधा बिल्कुल सही गधा है ये तो गधे को साजो सामान बोझ उठाने के लिए जब कभी भी बोझ उठाने के जानवर का नाम पूछा जाता है तो हमारे जमानों पे सबसे पहले कौन सा आता है जानवर का नाम गधा तो गधे को साजो सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इसी तरह से हाथी को जंगलों में बड़ी बड़ी जो लकड़ियां होती हैं इनको खींचने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया जाता था तो इस तरह कदीम जमाने में जब सवारियां वगैरह नहीं थी तो साजो सामान ले जाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था तो देखिए बच्चों ये जो जानवर हैं इनके हमें क्या करनी होगी इनकी हमें देखभाल करना होगा अगर देखभाल ना करेंगे तो क्या होगा वो बीमार हो सकते हैं तो इसलिए हमें चाहिए कि इन जानवरों का हम ख्याल रखें इनकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे जैसे कि यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हैं कि हमें चाहिए कि जानवरों को पाको साफ रखें जिस तरह हम अपने को पाको साफ रखते हैं क्यों पाको साफ रहना चाहिए बच्चों पाको साफ रहने से हम बीमारियों से महफूज रहते हैं बिल्कुल इसी तरह से ये बेजुबान जानवर होते हैं और इनके हमारे जैसे हाथ वगैरह नहीं होते तो इनकी पाकि सफाई का ख्याल भी हमें ही रखना होता है तो हमें चाहिए कि इन जानवरों की हम सफाई का ख्याल करेंगे इनकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो हमें चाहिए कि अच्छे से देखभाल करें इनकी अगर वक्त ब वक्त इनका इलाज कराएं डॉक्टर से मुआयना करवाएंगे इनके लिए जो भी दवाइयां होती हैं या इंजेक्शन होते हैं इनका हम ख्याल करेंगे और डॉक्टर से मुआयना कराएंगे तो समझ गए बच्चों ये जानवर बल्कि बोल के हमें इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते बल्कि जानवरों का भी ख्याल रखना होता है तभी तो वो हमारी मदद कर सकते हैं हमारे साथ दे सकते हैं हमारे कामों काज में आसानी कर सकते हैं तो हमें चाहिए कि इनका ख्याल रखें इन जानवरों की गजा का भी ख्याल रखना चाहिए तो इन्हें रोजाना हम अच्छी अच्छी जैसे कि हम गजा, हमारे लिए गजा जरूरी है इसी तरह से इन जानवरों के लिए भी गजा जरूरी है तो जैसे हम प्रोटीन से भरे कार्बोहाइड्रेट से भरे अच्छी अच्छी मखबी गए खाती हैं बिल्कुल इसी तरह से इन जानवरों के लिए जो ताकत या यावत बख्श होती है इस तरह की गजा हमें इन्हें देना चाहिए क्यों क्यों देना चाहिए बच्चों अगर ये तंदुरुस्त रहेंगे तो ही ना हमारी मदद करेंगे हमारा साथ देंगे तो हमें चाहिए इनका ख्याल रखें इनके रहने का भी इंतजाम करना चाहिए करना है ना बच्चों हमें जिस तरह से घर या छत होना बेहद जरूरी, जरूरी है तो हमें चाहिए के इनके रहने का भी रखें। जहां पर हम इन्हें रखते हैं वहां की सफाई का ख्याल करेंगे रोजाना इन्हें अच्छी गिजा देंगे इन्हें पाक साफ रखेंगे रोज नहलाएंगे इनके आसपास के माहौल को पाक करेंगे और इन्हें अच्छी गजाएं देंगे और इनके रहने का इंतजाम करेंगे अगर रहने का इंतजाम ना होगा तो वो बीमार हो सकते हैं मौसम के बदलने से इनको भी तकलीफ हो सक होती है तो हमें चाहिए कि इन जानवरों का हम ख्याल करें हमें चाहिए कि इन जानवरों के साथ हम रहम दिली से पेश आए बच्चों जानवरों की कोई जबान नहीं होती इनके लिए हमारी जो शफक्त होती है जो हमारी रहम दिली होती है जो हम इन्हें खिलाते हैं नहलाते हैं जो इनके हर वक्त हम ख्याल रखते हैं यही मोहब्बत है कि वो हमारी हर बात मानते हैं हमारा हर काम करते हैं तो इसलिए हमें चाहिए कि इन जानवरों के साथ हम रहमदिली से पेश आए शफक्त से पेश आए तो इनका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है चूंकि ये हमारे सफर को आसान बनाते हैं हमारे सामान को उठाते हैं तो इन जानवरों से हम किस तरह पेश आएंगे बच्चों? रहम दिली से आप भी अपने घर के आसपास अगर जानवरों को देखें तो इन्हें इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए इन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं देंगे हाँ चंद बच्चे बहुत शरारती होते हैं वो खाम जानवरों को क्या करते हैं परेशान करते हैं तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए ये बहुत गलत बात होती है बच्चों हमें इन जानवरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए समझ गए बच्चों तो अच्छा बच्चों तो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ दौर में हमल में बहुत सारी तब्दीलियां हुई तो क्या तब्दीलियां हुई तो कदीम जमाने में नकलो हमल के अभी तक हमने कदीम जमाने के नकलोहमल के जराये को देखा तो अब हम कदीम जमाने में और मौजूदा दौर में नकलोहमल में हुई तब्दीलियों को समझेंगे तो कदीम जमाने में नकलोहमल के जराए कौन से थे अभी हमने पढ़ाना बच्चों बताइए हाँ बैलगाड़ी बैलगाड़ी क्या है नकलोहमल का एक जरिया है कौन से जमाने में कदीम जमाने में कदीम जमाने में बैलगाड़ी नकलोहमल का एक जरिया था इसी तरह से यक्का यानी कि घोड़ा गाड़ी यक्का भी नकलो हमल का एक जरिया है और ऊंट गाड़ी ऊंट गाड़ी भी कदीम जमाने में नक्लोहमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो अब मौजूदा दौर में नक्लोहमल के जराए कौन कौन से हैं बच्चों बताइए आप बताइए मौजूदा दौर में आपने बहुत सारी सवारियां तो देखी होंगी ना हाँ साइकल साइकिल तो सभी ने देखी है ना बच्चों तो साइकिल जिसके जरिए हम अपने गाँव में शहर में बसानी घूम सकते हैं आपको चलानी आती है बच्चों शबाश तो ये साइकिल के जरिए हम आसानी से हमारे गांव शहर में घूम सकते हैं तो वे एक नकलो हमल यानी कि एक मुकाम से दूसरे मुकाम जाने का एक जरिया है हाँ ये क्या है बच्चों ये मोटर बाइक ये तो देखी होगी ना हाँ तो ये भी नकलो हमल का एक जरिया है जो आज हर किसी के पास मौजूद है आपके अबु या आपके बड़े भाई या कोई भी आपके आस पास चलाते हुए आपने ही इस सवारी को देखा होगा ये क्या है बच्चों कार तो कार भी क्या है मौजूदा दौर में नकलोहमल का एक जरिया है तो हम कार के जरिए एक शहर से दूसरे शहर को बासानी जा सकते हैं और कौन कौन से जराए हैं बच्चों हाँ बस हम कहीं दूर मुकाम पे जाना हो तो किसके जरिए जाते हैं आप बस के जरिए जाते हैं बस में तो सभी बच्चे बैठे हैं ना हाँ तो बस के जरिए हम एक मुकाम से दूसरे मुकाम को बस आनी जाते हैं इसी तरह से आज के दौर में और कौन सी सवारियां आपने देखी है देखिए ये क्या है हाँ ये कौन सी तस्वीर है एक ट्रेन की तस्वीर है तो आपने ट्रेन को तो देखा होगा हाँ तो बैठे भी हैं शब्बाश तो ट्रेन के जरिए भी हम हाँ, एक मुकाम से दूसरी मुकाम को बसानी जा सकते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रेलवे लाइन है तो बहुत बड़ी इसकी लाइंस हमारे पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई हैं तो ट्रेन के जरिए हम एक मुकाम को दूसरे मुकाम को आराम से जा सकते हैं और कौन सी है सवारी बताइए नकलोम का जरिया हाँ बहरी जहाज कौन सी जहाज है ये बहरी जहाज जहां कहीं भी बंदरगाहें होंगी तो वहां पर हम एक मुकाम से दूसरे मुकाम को इस बहरी जहाज के जरिए जा सकते हैं ये क्या है बच्चों वाह एरोप्लेन हवाई जहाज बिल्कुल सही तो हवाई जहाज भी एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम अपने मुल्क में में या दूसरे मुमालिक को भी आसानी हवे में सफर करते हुए जा सकते हैं आप सभी को ख्वाहिश है ना एरोप्लेन में बैठने की तो आप अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा इंसान बनेंगे और अच्छी तालीम हासिल करके आप भी इस तरह प्लेन में बैठेंगे बैठेंगे ना बच्चों तो देखिए हम मौजूदा दौर में बहुत सारी सवार जिसके जरिए हम सफर कर सकते हैं देखिए बच्चों कदीम जमाने में जरा कौन से थे कौन से थे साजो सामान ले जाने के लिए अभी हमने ना हाँ कौन से थे देखिये कदीम जमाने में जब अभी जानवर भी नहीं इस्तेमाल होते थे इंसान अपने सर पे या कंधे पे साजो सामान को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जब धीरे धीरे वो जानवरों को पालने लगे तो वो जानवरों की गाड़िया बनाकर इस तरह से बैलगाड़िया या फिर गधों पर साजो सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे अब मौजूदा दौर में साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है बच्चों हाँ लॉरी ट्रक के जरिए हम अपने साजो सामान को एक मुकाम से दूसरे मुकाम को ले जा सकते हैं इसी तरह से ये क्या है बच्चों ये एक बहरी जहाज है बहरी जहाज के जरिए हम बहुत सा ज्यादा मकदार में साजो सामान को एक मुकाम से दूसरे मुकाम को पहुंचा सकते हैं और हवाई जहाज के जरिए भी हम साजो सामान को अपने मुल्क ही नहीं बल्कि दूर दराज ममालिक को भी हम साजो सामान आसानी पहुंचा सकते हैं तो इस तरह इस मौजूदा दौर में हम लॉरी हवाई जहाज एरोप्लेन और दिगर बहुत सारे सवारियां मौजूद हैं जिसके जरिए हम साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकल कर सकते हैं तो बच्चों आप इन तमाम मालूम को हासिल कर चुके होंगे तो अब हम चंद सवाल पूछूंगी जो आप अपने इन सवाल देने की कोशिश करेंगे करेंगे ना बच्चों तो चलिए देखिए सवाल क्या है नकलोहमल के लिए कदीम जमाने में इस्तेमाल होने वाले जानवरों के नाम बताइए सवाल नंबर दो नकलोहमल के लिए आज इस्तेमाल होने वाले जानवरों के नाम बताइए सवाल नंबर तीन रेगिस्तान का जहाज किसको को कहा जाता है सवाल नंबर चार आज नकलोहमल के लिए इस्तेमाल होने वाले जराये कौन से हैं? सवाल नंबर पांच कौमी और बैन अमी नकलोहमल का जरिया कौन सा है उम्मीद है आपको सभी जवाब आ रहे होंगे आ रहे हैं ना चलिए इनके जवाब देते चलिए हाँ तो सवाल नंबर एक क्या था बच्चों सवाल नंबर एक था नकलोहमल के लिए कदीम जमाने में इस्तेमाल होने वाले जानवरों के नाम बताइए क्या है बोलो बच्चों हाँ बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही जवाब दिया बैल घोड़ा गधा और ऊन कदीम जमाने में इस्तेमाल होने वाले नकलोहमल के जानवर हैं सवाल नंबर दो था नकलोहमल के लिए आज इस्तेमाल होने वाले जानवरों के नाम बताइए आज भी आपने बहुत सारे जानवरों को देखा होगा देखे हैं नहीं कौन से जानवर देखे हैं आप बैल और घोड़ा तो आज नकलो अमल में इस्तेमाल में हम देखे हुए जानवर कौन से हैं बैल और घोड़ा सवाल नंबर तीन क्या था रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है किसको कहा जाता है बच्चा शबाश बिल्कुल सही रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है सवाल नंबर चार आज नकलोहमल के लिए इस्तेमाल होने वाले जराए कौन से हैं बस कार रेलगाड़ी मोटर साइकिल हवाई जहाज वगैरह बहुत सारी सवारी आपने देखी है ना बच्चों बिल्कुल सही आपने बहुत सही जवाब दिया सवाल नंबर पांच कौमी और बैन अवी तेज नकलोहमल का जरिया कौन सा था बोलिए कौन सा है बच्चों हवाई जहाज बिल्कुल सही तो हवाई जहाज कौमी और बैन अमी तेज सबसे तेज नकलो हमल का जरिया कौन सा है बच्चा हवाई जहाज आपने तमाम सवालों के सही जवाब दिए प्यारे बच्चों आपके लिए घर पर काम है क्या काम है आपको आपको नकलो हमल के जानवरों की तस्वीरों को इकट्ठा करना है और अपनी बयाजों में इनको छस्पान करना है तो आप क्या करेंगे बच्चों बाजार से नकलोहमल के लिए जो जानवर इस्तेमाल होते थे तो उनका चार्ट लाना है उनकी तस्वीरों को तराशना है और अपनी अपनी बयाजों में इनको चस्पान करेंगे करेंगे ना बच्चों हाँ वेरी गुड शबाश बच्चों तो आप सभी इन तस्वीरों को लाएंगे और तराशेंगे और अपनी अपनी किताबों में बयाजों में लगाएंगे और अपने उस्ताद को दिखाएंगे दिखाएंगे ना बच्चों वेरी गुड शबाश बच्चों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप इन मालूम को याद रखेंगे अपना ख्याल रखेंगे अपने की बात मानेंगे अच्छा हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बच्चों चलती हूँ अल्लाह हाफिजी